गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूएसडी आईएनआर पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे थ्रू द डे डॉलर रुपी स्पॉट एंड आपका करेंसी फ्यूचर कैसे बिहेव किया, उसका ही एक एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आज ड्यूरिंग द डे इन इंडियन मार्केट जो डॉलर रुपी का रेंज था ओपन एट 81.63, ट्रेडेड हाई ऑफ 81.75, लो ऑफ 81.5350 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 81.55। अभी करेंटली ये चल रहा है आपका 81.43, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, दैट इज द ग्लोबल मार्केट में करेंटली इट इज देयर। यूएस सीपीआई जो है, मार्केट बेसिकली वाज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई डेटा जो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज वाई ड्यूरिंग द डे जो मार्केट प्राइस एक्शंस था ऑलमोस्ट मीन्स स्टेबल था। अभी डेटा के बाद आपका मीन्स अच्छा खासा मूवमेंट हम देख रहे हैं। सो यूएस सीपीए जो है एज पर द एक्सपेक्टेशंस जो था 6.5, उतना ही 6.5 आया है एक्चुअल पे अगेंस्ट द प्रीवियस डेटा ऑफ 7.1%। दैट मीन द केस आपका डॉलर इंडेक्स काफी सॉफ्ट हो चुका है, करेंटली 102.70। सो इस एनालिसिस में डेट इज नॉट आवर कंसर्न, आवर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डॉलर रुपी पार्ट। डॉलर रुपी पार्ट में आप अगर प्राइस देखोगे तो ये है आपका डॉलर रुपी स्पॉट प्राइस जो आपका इस रेंज के अंदर में ही पड़ा हुआ था। एक रेंज हो गया ये ऑन द हायर साइड एंड हमारा इंडियन मार्केट में ये आपका इसके बीच में था। तो उसके बाद पोस्ट मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है और अभी आते हैं हम करेंसी फ्यूचर में। करेंसी फ्यूचर का जनवरी एक्सपायरी आप देखोगे ये काफी नैरो रेंज में था, 81.8050 ऑन द हायर साइड एंड 81.5825 ऑन द लोअर साइड एंड क्लोज इट 63। सो कल मॉर्निंग में फिर एक अच्छा खासा गैप डाउन के बाद ओपनिंग होने का एक प्रयास लग रहा है, लेकिन अगर हम डेली का इमीडिएट सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे करेंसी फ्यूचर जनवरी एक्सपायरी वाला, तो आपका जो इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 81.25 से 81.35 में, दैट इज द फर्स्ट सपोर्ट लाइन। उसके बाद आपका हो सकता है और एक सपोर्ट लाइन जो हो सकता है आपका 80.90 से 81.00 के बीच में। दीज आर द इमीडिएट टू सपोर्ट लेवल्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं ड्यूरिंग द डे कैसा बिहेव किया था। ये है आपका आवर्ली चार्ट ऑन करेंसी फ्यूचर्स, आपका थ्रू द डे जो मूवमेंट था ये वाला ओपनिंग कैंडल एट 9 o'clock, यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप गया एंड क्लोज दिया बॉटम में बिकॉज द डेटा वॉज देयर, मीन्स मार्केट वॉज वेटिंग फॉर द डेटा। तो यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन बनाने का प्रयास किया था, लेकिन एज पर द करेंट लेवल सो कल सुबह एक गैप डाउन ओपन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 15 मिनट में अगर हम देखेंगे 15 मिनट में जो आपका प्राइस एनालिसिस है, ये वाला आपका फर्स्ट ओपनिंग कैंडल था, उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर गया एंड देन सेल ऑफ आया। हमारा अभी का जो प्रयास रहेगा प्राइस एक्शंस पे सेल ऑप्टिक्स, क्यों आप अगर देखोगे तो ये जो मूविंग एवरेज वाला लाइन है 66 इज अबव 34, दैट बीइंग द केस हमें सेल ऑप्टिक्स ही यहाँ पे देखना है। इवन ऑन आवरली आल्सो आप देखोगे सेलिंग इंडिकेशन से 30 मिनट्स में भी अगर कोई देखना चाहते हैं वहाँ पर भी सेलिंग इंडिकेशन से 15 मिनट्स में भी। एंड आज का दिन में जो था यहाँ पे आपका ओपन था फिर नीचे आया देन
अपटिक मारा, अपटिक के बाद एक सेल ऑफ आया जहां पे टॉप से 80 लेवल से 81.80 लेवल से करीबन 58-59 120-22 पैसे का एक रेंज देखा गया। एंड अगर हम इसको और 5 मिनट में ड्रिल डाउन करने का कोशिश करेंगे तो आपको कहां कहां अपॉर्चुनिटी मिला होगा। एक तो आपका अपॉर्चुनिटी यहां पे मिला होगा सेलिंग के लिए, और दूसरा वाला जो अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिला होगा, अच्छा उससे पहले यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिला होगा, 3 अपॉर्चुनिटीज मिला होगा आपको। सो ये हो गया आज का सेल ऑप्टिक्स वाला जो चल रहा था। अभी हम देखते हैं यूरो आइनर पे, पहले हम डेली चार्ट में ले लेते हैं। तो डेली में आप देखोगे प्राइस जो है एक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशंस एक रेंज के अंदर में आपका ऑन द हायर साइड 8860, ऑन द लोअर साइड 8760, 1 रुपये के बीच में। दिस इज अबाउट आपका डेली वाला। अगर हम आवरली पे देखेंगे तो आवरली पे आपका ये वाला फर्स्ट ओपनिंग कैंडल ऊपर गया फिर सेल ऑफ आया। यहां पे आप देखोगे जो बॉलिंजर बैंड वाला मूविंग एवरेज यहां पे एक कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मीन्स आपका 66 कभी ऊपर है कभी नीचे है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि क्लैरिटी है नहीं ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अभी देखते हैं 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये आपका मूविंग एवरेज जो है यूनिफॉर्मली आपका मीन्स इसका जो एक जो रेलवे ट्रैक की तरह प्राइस एक्शंस नहीं है, मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू कभी ह्यूज बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। सो सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्यूजन्स आर देयर एज फार एज द दिस मूविंग एवरेज बैंड इज कंसर्न्ड। अगर 15 मिनट में देखेंगे यहां पर भी मींस ज्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं। सो यहां पे थोड़ा सा इनडिसिशन से एज फार एज द मूविंग एवरेज सेटअप इज कंसर्न्ड। लेकिन यहाँ पे और एक सेटअप है, दैट इज द 5 EMA सेटअप जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। 5 EMA सेटअप जो जिसमें हमें काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला सिस्टम्स मिल जाता है। सो यहाँ पे एज फार एज द मूविंग एवरेज बैंड वाला कंसर्न है वहां पे आपका ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है। GBP आइनर में भी आप देखोगे यहाँ पे दोनों साइड में आपको कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया, ये हो गया आपका 5 मिनट वाला। 1 घंटा में अगर आते हैं तो 1 घंटा वाला जो है रेदर इट इज अ बुलिश, सो बाई डिप्स वाला एक्टिविटीज है। आप अगर डेली वाला यहाँ पे देखोगे आने वाले दिनों में लॉन्ग के लिए ऑन डेली टाइम फ्रेम तभी हम खेल सकते हैं इसके हाई के ऊपर। अभी आते हैं आवरली पे, आवरली पे तो देखेंगे कि ये जो मूविंग एवरेज वाला थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। सो यहाँ पे आपका ये वाला सेटअप ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पे 5 EMA वाला सेटअप अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ अपॉर्चुनिटीज आपको दिया होगा, विच आई एम गोइंग टू कम डिस्कस इट इन सबसिक्वेंट वीडियोज। अभी आते हैं JPY INR अगर हम डेली का लेते हैं तो ये देखिए ऑन डेली टाइम फ्रेम सम सॉर्ट ऑफ बाइंग बुलिश सेटअप यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम आवरली में देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है बिकॉज ये जो डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग एवरेज पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। आप बोलोगे ये क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स इसमें जब अगर एक पार्टिकुलर हमें बेसिकली एक ट्रेंड चाहिए आइदर दिस वन दिस टाइप ऑफ या नहीं तो हमको इस टाइप ऑफ ट्रेंड चाहिए तभी जाके ट्रेड करने में मजा आएगा आपको। जो यहाँ पे आपका वैसा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एंड घट रहा है दैट मींस द वॉलिटिलिटी इज देयर ऑन बोथ द टू साइड्स एंड यहाँ पे ट्रेड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मीन्स आपका शांति नहीं है। एक्सक्यूज मी। और अगर 15 मिनट में देखेंगे अभी जस्ट एक बाइंग सेटअप बन रहा है तो कल के लिए हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे।
ये सेटअप पे जब आपका इस टाइप का एक रेंज मिलेगा तो ट्रेंडेड मूव मिलेगा, तभी जाके आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। तो अगर नहीं आता है तो वहाँ पे कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है एंड कभी कभी हमें नोइंगली ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। विल कम आउट विथ क्या बोलते हैं उसको 5 EMA वाला सेटअप, जहाँ पे आपको मीन्स लेस रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवार्ड वाला आपका एक सेटअप में डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है जस्ट, एंड ये हो गया आपके सेलिंग के लिए। आपका यहाँ पे एक बाइंग था जिसका ज़्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं है, और यहाँ पे फिर एक आपका बाइंग सेटअप आया है जो आपको अच्छा खासा दिया है अपवर्ड में। यहाँ पे आपका एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आया है, वी विल डिस्कस दैट वन। तो रिस्क रिवर्ड थोड़ा बहुत था। तो यहाँ पे आपका 9th जनवरी को एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे आपका 62.82 and 92 10 पैसे का, 10 से 11 पैसे का स्टॉप लॉसेस था अगेंस्ट 82, और इधर कितना हो गया 42 पकड़ लेते 40 पैसे, 1:4 का एक रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड यहाँ पे था, दैट आई विल जस्ट डिस्कस सब्सिक्वेंटली। तो डॉलर रुपी साइडवाइज बेसिकली आज के दिन में मार्केट वाज जस्ट वेटिंग फॉर द CPI डेटा, अदर करेंसीज में क्लैरिटी नहीं है। कल हम फिर दोबारा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। एज ऑफ नाउ जो US CPI डेटा के बाद डॉलर रुपी काफ़ी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज डेटा CPI डेटा इज बेटर देन द प्रीवियस नवंबर मंथ का डेटा, जिसके कारण कल डॉलर रुपी एक गैप डाउन ओपन हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हमें अगर ट्रेड करना है तो 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट के टाइम में पुल बैक के लिए इंतजार करना है, देन सेल ऑफ करना है। सो एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।